ये है चाहते की कहानी में। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा खुराना हाउस आती है, जहां पर उसे देखकर हर कोई काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। शारदा यहां सबसे कहती है कि मैंने ही प्रिशा को यहां बुलाया है, क्योंकि वो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट रह चुकी है और मैं उसी से चेकअप करवाऊंगी। तभी महिमा खड़ी होती है और कहती है कि प्रिशा का लाइसेंस तो कैंसिल हो चुका है। तभी प्रिशा सबको बताती है कि नहीं, मुझे मेरा लाइसेंस वापस मिल चुका है। और शारदा कहती है कि बस मैं प्रिशा से ही इलाज करवाऊंगी, और ये दोनों कर अंदर चली जाती हैं। शारदा कहती है प्रिशा का हाथ थाम कर कि मैं जानती हूं तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है, तुम्हें दोनों को ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे बता सकती हो। तो प्रिशा कहती है कि नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो रुद्र से नफरत करती हूँ और वो भी मुझसे बेइंतहा नफरत करता है। आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि महिमा ड्रामा चालू करती है और वो कहती है रुद्राक्ष से कि मेरे पैर में चोट लग गई है, तुम प्लीज़ मुझे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ छोड़ाओगे। जैसे ही रुद्राक्ष बहाने मारता है, बुरी तरह से महिमा उसे घेरती है और कहती है कि मैं एक मिनट भी नहीं चल पा रही हूँ, मैं ऊपर कैसे जाऊँगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस नाते तो मुझे गोद में उठाकर ऊपर क्यों नहीं छोड़ सकते। फाइनली रुद्राक्ष इस तरह फंसता है कि उसे गोद में उठाकर महिमा को ऊपर छोड़ना होता है। और तभी आहाना इन दोनों का ये मोमेंट कैमरे में कैप्चर कर लेती है और वो फोटो क्लिक करके प्रिशा को भेज देती है। जैसे ही प्रिशा ये तस्वीर देखती है कि रुद्राक्ष ने महिमा को गोद में उठाया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत गुस्से में रुद्राक्ष को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दो ही दिन हुए हैं और तुमने ये सब शुरू कर दिया, आखिर तुमने महिमा अक्का को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट जेलेसी और बहुत ही क्यूट सा रोमांस देखने के लिए मिलेगा रुद्र प्रिशा के बीच। अगली सुबह आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और प्रिशा मिलकर नोएडा निकल जाते हैं, जहाँ पर वो जिससे मिलने जाते हैं सामूहिक विवाह हो रहा होता है और रुद्र प्रिशा को एंट्री वहां नहीं मिलती। रिसेप्शन पे बैठा इंसान रुद्र प्रिशा को बताता है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आप सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही जा सकते हैं, अगर आपको शादी करनी है, इसके अलावा इस सामूहिक विवाह में दुल्हा दुल्हन के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती। ये बात सोचकर रुद्र प्रिशा अपना गेटअप दूल्हा दुल्हन के अवतार में ले लेते हैं और अंदर सक्सेसफुली चले जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद वो अर्जुन वर्मा की तलाश शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि मीडिया वाले रुद्राक्ष को पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या आप यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं, आप यहाँ अचानक कैसे, क्यों। और ये सारा टेलीकास्ट हो रहा होता है टेलीविज़न पर और ये सीधा महिमा तक पहुँच जाता है। महिमा टीवी देख रही होती है, जहाँ पर रुद्राक्ष को देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि रुद्राक्ष ने मुझसे झूठ बोला, इसने तो मुझसे कहा था कि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, लेकिन ये तो शादी में है। ये बात कहते हुए महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो नोएडा जाने के लिए निकलने वाली ही होती है। दूसरी तरफ सारांश सोचता है कि ये महिमा मम्मा जा रही हैं रुद्राक्ष और प्रिशा मम्मा का प्लान फेल करने के लिए, क्यों ना मैं इनकी कार में चुपचाप बैठ जाता हूँ और जैसे ही ये वहाँ पहुँचेंगी मैं निकलकर रुद्र से मिलकर सब कुछ उसको सच सच बता दूंगा कि आखिर महिमा क्यों आई है। ये कहकर वो गाड़ी में छुपने की तैयारी करता है। तभी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ रुद्र और प्रिशा यहाँ पर ढूंढी रहे होंगे अर्जुन वर्मा को, और दूसरी तरफ महिमा ऑन द स्पॉट पहुँच जाएगी और यही हो जाएगा रात के एपिसोड का दी एंड। अब क्या महिमा और रुद्र की मुलाकात हो पाएगी, क्या सारांश एक बार फिर मिसिंग हो जाएगा, ये सब कुछ देखना होगा आने वाली कहानी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग। Yeah.